इंटरनेट के मायाजाल में फंसे इन बच्चों को शायद यह भी पता नहीं होगा कि मूंगफली पौधे के ऊपर लगती है या जमीन के नीचे, घोड़ा लेटकर सोता है या खड़े खड़े। रंगों भरी असली दुनिया को महसूस करना छोड़ राष्ट्र का भविष्य इस मायावी वर्चुअल दुनिया के चंगुल में फंसा पड़ा है, और माता पिता के रूप में हम इतने मजबूर हैं कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। किंतु क्या गलती सिर्फ बच्चों की है? मोबाइल से बेहतर विकल्प क्या हमने उनके सामने कभी रखे हैं? रिसर्च ये कहता है कि दुनिया को जानने पहचानने के बेहतर अवसर अगर किशोर अवस्था में बच्चों को दिए जाए तो स्मार्टफोन के वो शिकार नहीं बनेंगे। परंतु सवाल ये है कि हमारे व्यस्त जीवन में ऐसे अवसर हम बच्चों को कैसे दें? क्या कोई ऐसी एक्टिविटी है जो बच्चों को डिजिटल दुनिया से दूर रखे और कुछ हटकर करने का अवसर दे? जी हाँ, नासिक की भोसला मिलिट्री स्कूल को आप इस विकल्प के रूप में देख सकते हैं। आप लोगों ने निशाना कहाँ लेना है? ये सेंटर में। की शिक्षा प्रदान करने के लिए भारतवर्ष में मशहूर भोसला मिलिट्री स्कूल एक ऐसी संस्था है जो चार दीवारों के बाहर जीवन के कौशल सिखाने में विश्वास रखती है। एक कड़ी प्रवेश परीक्षा से भोसला के आम स्कूल तथा कॉलेज में दाखिला लिया जा सकता है, किंतु अगर इस अभिनव शिक्षा पद्धति का शॉर्ट कोर्स करना चाहे तो भोसला आउटबाउंड ट्रेनिंग कैंप का विकल्प आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है। 15 से 18 साल की उम्र के छात्र छात्राएं इन कैंप्स में हिस्सा लेकर अपनी क्षमता को परख सकते हैं। पीछे लड़ेगा। सैनिकी माहौल और कड़े अनुशासन में बच्चे यहां 30 दिन तक रहकर कुछ ऐसी चीजें सीखते हैं जो उन्हें जिंदगी भर काम आए। हम लोग का 10th अभी 26 को ही खत्म हुआ था, तो उसके बाद हम लोग को मोबाइल दिया गया था, उसमें सब सोशल मीडिया थी। तो इधर आने से पहले के जो 4-5 दिन थे वो मैंने बहुत मोबाइल के पीछे ही काटे थे। यहाँ एक्टिविटीज़ होती है और हम लोग को बिजी रखा जाता है, तभी हम लोग को मोबाइल की याद ही नहीं आती। आई बिकेम मोर स्ट्रॉन्गर रादर देन बीइंग सो वीक एंड लो आफ्टर कमिंग हियर। मैं यहाँ पे कुछ बनने के लिए आई हूँ, कुछ डिसिप्लिन चाहिए। अगर कुछ बनना है तो हमें डिसिप्लिन से रहना पड़ेगा। I feel that everyone should join it, irrespective whether you want to join the army or not, because it builds your personality, it makes you confident to talk, as well as physically fit. 5 बजे उठना होता है और पूरा मिलिट्री डिसिप्लिन जैसा रूटीन रहता है। हमारे 3 प्लाटून में डिवाइड किया है और हमें सुबह उठकर हॉर्स राइडिंग रहता है, स्विमिंग रहता है और योगा रहता है। योगा से हमारा माइंड स्टेबल रहता है और हॉर्स राइडिंग ऐसा है कि हमने उसे पहले कभी नहीं किया था और यहाँ आके हमें हॉर्स राइडिंग करने को मिल रहा है। उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट रहता है, पूरा खाना बहुत अच्छा रहता है, बहुत हेल्दी रहता है। फिर हमारे वर्कशॉप लेते हैं, उनमें हमें सिखाते हैं टीम बिल्डिंग कैसा रहता है, यहाँ का एरिया कैसा है, डॉक्टर मुंजे ने इसे कैसे एस्टेब्लिश किया है, इसके बारे में हमारे वर्कशॉप लिए जाते हैं। और हमारे जिमनास्टिक्स रहता है, उनमें हमारे बॉडी फ्लेक्सिबल कैसे हो सकती है ऐसा दिखाया जाता है। ड्रिल्स रहते हैं और अब जो हमारे लिए आवश्यक है वो हमारे सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है कि हम लड़कियां कहीं भी जाए तब कॉन्फिडेंटली जाए। उसके बाद हमें रिफ्रेशमेंट के लिए कोकम शरबत दिया जाता है, लंच भी बहुत अच्छा रहता है। और फिर कॉल आउट होता है, हमें रेस्ट मिलती है 12 से 4, पूरे बॉडी को रेस्ट मिलती है और फिर सब ट्रेनिंग शुरू होता है। फिर डिनर के बाद हमें थोड़ी एंटरटेनमेंट रहती है, कल्चरल प्रोग्राम रहता है और फिर लाइट शॉट होता है, फिर सेकेंड डे फिर 5 बजे। सैनिकी अनुशासन में हम उम्र दोस्तों के साथ माँ के पल्लू से दूर कुछ समय बिताने के बाद बच्चों में बदलाव जरूर नजर आएगा। घुड़सवारी सीखने के बाद उन्हें निश्चित रूप से मालूम होगा कि घोड़ा वास्तव में खाता क्या है और नींद कैसे लेता है। केवल फोन स्मार्ट होना काफी नहीं, बल्कि हमें खुद भी स्मार्ट बनने की कोशिश करनी होगी। ये एहसास बच्चों में निश्चित रूप से जागेगा।
ऐसे कैंप्स में हिस्सा लेकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम, राष्ट्रभाव से प्रेरित तथा एक फौजी रवैया रखने वाली पीढ़ी का निर्माण करना संभव है। और भोसला मिलिट्री स्कूल के संस्थापक डॉक्टर मुंजे का सपना इसी तरीके से साकार होगा। भोसला आउटबाउंड ट्रेनिंग कैंप का शेड्यूल और अधिक जानकारी पाने के लिए कृपया लॉग ऑन करें